फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, प्रयागराज में जो है बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और लिखा हुआ है भैया, गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ योगी का बड़ा एक्शन। अच्छा, मकान के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। देखते हैं ये गुड्डू मुस्लिम कौन है भैया, पहले तो ये बताओ। वही लग रहा है गैंग के मेंबर्स हैं, वही लग रहा है, उन्हीं के जो मिले हुए हैं उनके साथ ही हो रहा है। बिल्कुल। तो नाम भी देखो भैया, गुड्डू मुस्लिम और क्या क्या नाम रखे हुए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और एक बार वापस आपको प्रयागराज लिए चल रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में इस वक्त एक साथ चार चार बुलडोजर पहुंचे। बुलडोजर देखिए मकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है, जहां पर गुड्डू मुस्लिम का मकान है उस जगह पर योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर पहुंचा है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बुलडोजर पहुंचा है और ये बताते हुए कि ये मकान जो है वो मानकों के हिसाब से ठीक नहीं है, नियम के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए इसको जमींदोज किया जाएगा, इसको ध्वस्त किया जाएगा। 3 करोड़ रुपए आकी जा रही है। 2 मंजिला मकान है, आलीशान मकान है जो है वो आलीशान है, लग भी रहा था कौन सा वाला है। कोई प्रॉपर्टी और जमीन खरीदनी हो तो काफी महंगा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर ये जो मकान है तकरीबन 3 करोड़ की कीमत का, और उसे जमींदोज किया जा रहा है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये बताते जमींदोज में तो पूरा तोड़ देंगे, खिलाफ जाकर मिट्टी कर देंगे। पहले से मौजूद है, पीडीए के अधिकारी पहुंचे हैं और बुलडोजर देखे कैसा तोड़ते। नीतीश पांडे लगातार हमें वहां से अपडेट कर रहे हैं। नीतीश, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा होगा, ये सफेद घर जो है, सफेद ये वाला, पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर इस निर्माण को तोड़ा जाना है और जो बुलडोजर है वो अब तन चुका है, पूरी तरह से तैयार आपको दिखाई दे रहा है। जगह कितनी कम है दो घरों के बीच में, दिखाने का प्रयास करते हैं, आप आ जाइए। उनसे मुड़ ही नहीं रहा, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है तोड़ के वो अब पूरी तरह से, यानी अब वो ये वाला है, मुझे लगा वो वाला है, ये टूटा हुआ भी लग रहा है। जो यहाँ पर वो वाला बोल रहा है, कौन सा वाला है, दोनों ही सफेद है। करेगा तो आप देखिए, तनता हुआ बुलडोजर और आपके वो ये वाला, ये वाला ही जो तस्वीर है वो पहले अंदर जाके दरवाजे को उड़ा, ओए ओए गेट तोड़ रहे हैं, खोला है जो गेट खोला है, तोड़ रहे हैं, तो खोला है, लॉक होगा ना, जो निर्माण है उसको यहाँ पर गिराते हुए आप देखिए, ये एक्सपर्ट है भाई साहब, ड्रिल टाइप है, ओहो तोड़ दिया, कितना सोनू कितना आता है भैया, ये तोड़ने वाले भाई साहब हैं, उनको एक्सपर्टाइज है तोड़ने में, योगी जी ने एक्सपर्ट बना दिया, उनको पता एग्जैक्टली पहले डोर को उड़ाना है। अरे वाह, हिंज पे गया पूरी आइडिया उनका, हिंज पे लेके जाओ, यूं घेरो, गार्ड वार्ड वाला भी घर है वहाँ पे, सीट भी पड़ी है किसी के बैठने के लिए, उसको तोड़ना है, बाबा का बुलडोजर गर्जेगा, वो आज प्रयागराज में आपके सामने, अब इसको तोड़ना है, ये बुलडोजर अब यहाँ पर चलने लगे हैं, और फिर एक नहीं बल्कि पूरा महकमा यहाँ पर, ये ओए होए ऐसे तोड़ा है, दूसरा गेट भी इनसे निकाला है, और आप देखिए चार इनका भाई, वो घर कितना सुंदर है देखो तो सही, मैं तो बोलूं क्या आलीशान घर, वही कह रहे हैं ना गैंगस्टर का घर है, ऐसे ऐसे घर है, यहाँ हम पूरी जिंदगी लगा लगा के फिर बनाते हैं ऐसा घर, बेहद करीबी व्यक्ति ये जफर बताया जाता है, और अब वो कैमरा क्यों मूव कर रहा था, हाँ थोड़ा धीरे तो रखना चाहिए, धक्का मुक्की हो रही होगी, मैं तो घर देख रही हूँ, जो पीजे है अच्छा के ऊपर से लिए पूरा ऊपर, धक्के मुक्के में भी मकान, और सारे कैमरामैन होंगे ना उस साइड, बुलडोजर चलने लगा है, अपराध तंत्र पर बड़ी चोट, और पुलिस उनको पीछे कर रही है लगता है, कैमरे को बंदी हो गया, अपराध तंत्र आपके सामने, पुलिस उनको कह रही है पीछे जाओ पीछे जाओ, यही है, इससे हम लोग इनकार नहीं करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आमदनी भी बढ़े अगर महंगाई बढ़े तो ये सरकार की कोशिश है। ये क्या था, और भी आ रहे हैं, मल्टीपल कह तो रहे चार बोले हैं शायद, खबर आपको बता दें, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, पीडीए का बुलडोजर गुड्डू मुस्लिम के घर पर पहुंचा है और ये कार्रवाई इस वक्त आपके सामने है, कार्रवाई शुरू हो गई है, गेट तोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ से आ रहे हैं क्या, आगे किस तरह से, ये तो थोड़ा था पहले, ये बुलडोजर का जो वार है वो शुरू हुआ है,
शुक्रवार को क्या तोड़ रहे हैं? नई समाजवादी पार्टी देगी। बड़ा कैमरा है। समाजवादी पार्टी क्या तोड़ा? दीवार मार के आपके परिवार के साथ क्यों फोटो आ रही? पिलर कितना सुंदर पिलर। तोड़ने की जगह किसी को घर ही दे दो रहने के लिए, उसके नाम पे करो। घर जाएगा, इलीगल है घर। कैसे पूरा इलीगल हो गया? जफर अहमद का ये मकान है, यही पर माफियाती जफर अहमद का नाम है। गुड्डू का दूसरा है, पता नहीं उसी को तो नहीं गुड्डू बोलते। तोड़ दिया जफर अहमद का जो निर्माण है वो तोड़ा जा रहा है। मतलब धीरे धीरे होता है। अंदर कोई नहीं है घर में? भाग गए। उनको पहले पता होता है कि आज टूटेगा, कि पहले भाग गए होंगे कि पकड़े। नोटिस दिया होगा, सब बता होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यही वो मकान है जो गुड्डू मुस्लिम का है। और इसको आप इस तरह से समझिए, कितने लोग हैं ये देखा है, गुड्डू का घर है। अब कैमरे वाले देखो कितने आए हैं, तस्वीरें जरा देखिए। पीडीए का ये बुलडोजर वो बेचारे इतने पीछे से ले रहा है, जो जो ले रहा है माना जाता है। उसके आगे इतने कैमरे वाले पीछे हो गए। आगे ऐसे बड़ा बड़ा उठा उठा के लेते हैं। जफर अहमद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितने भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की उनके वहाँ पे हो रही की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। कह रहे कानून के दायरे में किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसी। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ऐसे अपराधियों पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई। देखो सबके इतने अच्छे अच्छे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी हमने देख लिया है, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। ये जफर अहमद का घर है, वो शख्स जो बम फेंकता हुआ तस्वीरों में दिखा था। और इसको ये भी कहा जाता है कि अतीक अहमद का बहुत ही करीबी है और अतीक के परिवार को शरण देने का काम भी इसी ने किया था। ये बहुत ही खास मुर्गा अतीक अहमद का है और उसके मकान पर अब कार्रवाई हो रही है। वजह क्या है? वजह है उमेश पाल का मर्डर। वजह क्या है? मर्डर के बाद उसकी फरारी। और वजह यह है कि ये जो निर्माण है ये अवैध तरीके से किया गया, ऐसा पीडीए का कहना है कि इसमें नियमों का ख्याल नहीं रखा गया और इसलिए हम कार्रवाई। मतलब जो भी बनाना था कोई प्लान नहीं सबमिट किया होगा, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से घर जैसा बनाना बना दिया। नहीं है निर्माण कार्य ठीक है कि नहीं है, लेकिन नैतिकता तब तक नैतिकता रहती है जब तक आप नैतिक रहेंगे, तब तक प्रशासन भी और सरकार भी आपके साथ उसी नैतिकता के आधार पर। मतलब इस टाइप के लोग ऐसे ऐसे घरों में रह रहे हैं, लेते हैं अब आप लोगों को दिन दहाड़े मारते हैं, तब फिर ये एक्शन आपके सामने होता है कि आप नियम भी तोड़ेंगे। ये बड़ा अच्छी, ये बड़ा अच्छी तरह तोड़ा, अपराध भी करेंगे। ये दोनों चीजें आराम से चल सकती और पीडीए ये कार्रवाई इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो तोड़ते हुए दिखाई नहीं रहे हैं। और बम के बदले ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये जफर अहमद का घर है। जफर अहमद का ये घर तकरीबन 3 करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है। प्रयागराज के ऐसे इलाके में है जहाँ पर प्रॉपर्टी काफी महंगी है, संपत्ति काफी महंगी है। ये चकिया वाला क्षेत्र है और चकिया इलाके में प्रॉपर्टी जो है संपत्ति काफी महंगी है और वहां पर अब कार्रवाई की जा रही है। और दोनों तरह से कुछ मजदूर भी आए हैं और बुलडोजर भी वहां पर है, वो अंदर जाके तोड़ फोड़ कर लिया जा रहा है। धीरे धीरे मलबा भी हटाना है क्योंकि ये जो गली है, ये जो रास्ता है, यहाँ पर काफी सकरा है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है कि सीधा एक्शन हो सके। तो कार्रवाई धीरे धीरे चलेगी, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जो मलबा गिरेगा उस मलबे को साफ किया जाएगा और इसके बाद ही बुलडोजर अंदर की तरफ जाएगा। और पहली बार ही देखा एक्चुअल में कैसे एक्शन होता है। पहले गेट टूटता है, फिर अब बाकी चीजों साथ में मजदूर भी हैं कि जैसे जैसे वो मलबा होगा तो उसको हटाना पड़ेगा ताकि बुलडोजर और आगे जा जाके पूरे घर को खत्म कर तोड़ दे। मतलब इतनी हिम्मत थी इन लोगों की कि इन्होंने घर तक इलीगली बना के अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे कि हम कुछ भी को सारे लॉज ऑर्डर सब तोड़ सकते हैं हम इस टाइप के। सोचो आसपास वाले जो रह रहे होंगे उनको अब पता चला होगा हम किसके साथ रह रहे हैं, अगर पहले नहीं पता तो उनको कितना झटका लगा होगा। और वो कह रहे हैं धीरे धीरे तोड़ते हैं, टाइम लगता है। एक थोड़ा ढक उसका सामान निकाल रहा है, धीरे 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 तीन तीन दिन चले, चार चार दिन धीरे धीरे टूट रहा है। हाँ, कि उनके धीरे धीरे उनके दिल भी धीरे धीरे टूटा। धीरे धीरे जब आएंगे तो सीधी लैंड।
पूरा का पूरा गायब, घर देखा अंदर सामान कितना होगा, क्या कुछ होगा, वो तो भाग सकता है, ले गए होंगे या भाग गए, उनको पहले ही पता था, ये परिवार वाले सारे पहले ही भाग गए होंगे ना, कि मतलब, नहीं तो हमको पकड़ लेगी पुलिस। उन्होंने पहले कहा होगा देखो भैया तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं करते, जो तुमने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है उसको ले जाएंगे, जो जो है तुम अपना काम करो, सरेंडर अभी इमीडिएट सरेंडर नहीं किया तो ये हो रहा है बस। और काम क्या किया था, वही तो कह रहे बम का जो किया था वो इसी मल्टीपल है, पहले एक बुलडोजर दिखाया था किसी और स्ट्रीट पे भी, पर कह रहे चार चार बुलडोजर यहाँ आ रहे हैं। और अमीर देखो कितना बंदा है कि कितनी महंगे इलाके में घर देखो, जहाँ पे अच्छे अच्छे घर है वहाँ पे लेके बैठा हुआ था। अब समझ में आएगी गलत काम करोगे और वो भी योगी जी के राज में, तो तुम्हारा क्या बजेगा, बाजा बजेगा। कमाल लाइव देखा, लाइव देखा है, मजे आ गया यार। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।